और गाइस क्या हाल है गाइस। आईफोन महंगा तो बहुत है लेकिन लेना उसे फिर भी सभी चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके लोगों की वजह से, ताकि थोड़ा सा सोसाइटी में स्टैंडर्ड बढ़ जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि काफ़ी महंगे होते हैं आईफोन्स। पर चिंता करने की बात नहीं है, मैं आज उसी से रिलेटेड एक वीडियो लाया हूँ जिसमें आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को भी आईफोन जैसा बना सकते हैं। बाहर से तो नहीं पर उसका इंटरफेस बिल्कुल आईफोन जैसा हो जाएगा, तो उस वीडियो को देखना एंड तक। बेसिकली ये कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, बस आपको करना इतना है कि एक लॉन्चर डाउनलोड करना पड़ेगा और इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पर और यहाँ पर आपको सर्च करना है iOS लॉन्चर। अब आपको सिंपली यहाँ से बस इसे इंस्टॉल कर लेना है और जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि स्पीड कम आ रही है, इसलिए धीरे धीरे डाउनलोड हो रहा है। पर मुझे समझ नहीं आता यार, मतलब आई डोंट नो कि स्पीड इतनी कम क्यों आती है 4G होने के बाद भी जियो में। बाकी चलो अब ये हो ही गया लगभग। अब इंस्टॉल तो ये हो चुका है, आपको यहाँ से इसे ओपन कर लेना है सिंपली। और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसी विंडो आपके पास आएगी। सबसे पहले फ़ोन एक्स लॉन्चर आएगा, यहाँ पर पूरा आईफोन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि कॉपीराइट लग सकता है ऐसे में। सबसे पहले आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर वॉलपेपर सेट करने का आ जाता है, आप चाहे तो कोई भी कर लो। चलो ये कर लेते हैं। फिर गेट स्टार्टेड पे यहाँ पर क्लिक करना है, थोड़ा सा ये लोड होगा और अब यहाँ पर ये थोड़ा सा बताएगा कि कितनी परमिशंस वगैरह यहाँ पर अलाउ करनी पड़ेंगी। काफ़ी सारी परमिशंस मांगता है ये ऐप अलाउ करने के लिए, तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है और जो भी परमिशन ये अलाउ करने के लिए कहता है उसे यहाँ पर अलाउ कर ले। जैसे यहाँ पर मेरा तो रियलमी का फ़ोन है तो उसका इंटरफेस ऐसा है, आपके पास कोई और होगा उसमें स्टॉक एंड्रॉयड होगा तो उसका कुछ और हो सकता है इंटरफेस, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो यहाँ पर फ़ोन एक्स लॉन्चर में जाके इसे अलाउ कर देंगे, फिर एक बार बैक कर लेंगे। अब इसे हमें यूजेज एक्सेस प्रोवाइड करानी पड़ेगी, यहाँ से हम इसे दोबारा से अलाउ कर लेंगे। आपके फ़ोन में अपने आप ही आता रहेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अब ये कह रहा है कि ड्रॉ ओवर अदर ऐप्स, तो इसकी परमिशन भी अभी से अलाउ करानी पड़ेगी हमें। यहाँ से ये रहा फ़ोन एक्स लॉन्चर, ये फ़िलहाल 3 परमिशन होगी। अब ये थोड़ा सा बता रहा है कि कैसे करना है, नीचे करेंगे तो सर्च कर सकते हैं, ऊपर करेंगे तो आप इसका कंट्रोल सेंटर खोल सकते हैं। और अब ये देखो बिल्कुल iOS वाला इंटरफेस यहाँ पर आ गया है। अगर मैं यहाँ नीचे से ऊपर स्वाइप करूँगा तो ये कंट्रोल सेंटर खुल गया है इसका। यहाँ पर भी इसे एक बार मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स का इसे परमिशन देनी पड़ेगी, और परमिशन देने के बाद दोबारा से एक बार बैक करेंगे हम। तो यहाँ से अगर आप इसे इस तरह से ऊपर करते हैं तो यहाँ पर आप कंट्रोल सेंटर खोल पाएंगे जैसे आईफोन में होता है। यहाँ से ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप वॉल्यूम वगैरह सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप इस तरह से एयरप्लेन मोड वगैरह में डाल सकते हैं। उसकी सेटिंग भी आप खुद कर सकते हो कि कौन से ऐप आपको यहाँ पर रखने हैं। और इस तरह से आप टॉर्च भी ओपन कर सकते हैं, इसके लिए भी परमिशन देनी पड़ेगी। परमिशन यहाँ पे बहुत सारी आपको देनी पड़ेगी इसके लिए। अब यहाँ से आपने टॉर्च ऑन कर लिया, टॉर्च बंद हो गया। सेटिंग्स वगैरह में यहाँ से आप जा सकते हैं, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस, कैमरा यहाँ से आप सीधा खोल सकते हैं। यहाँ से अगर आप ऊपर स्वाइप करेंगे तो कंट्रोल सेंटर खुल जाएगा, और अगर यहाँ से आप नीचे स्वाइप करेंगे तो सर्च का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे अगर आप सर्च करते हैं YouTube कुछ ऐसे तो आ जाएगा यहाँ पर YouTube, और जैसे ही YouTube खुलता है यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं मेरा चैनल Tonix। यहाँ पर Tonix को एक बार ओपन कर लेंगे और यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना है आपको, बस इतना करना है यार। बार बार बताना पड़ेगा क्या यार, आप तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। ये कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल वीडियो नहीं थी, बस एक ऐसी किसी किसी को शौक होता है मतलब आईफोन का इंटरफेस यूज़ करने का, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो थी। मुझे सही लगा ये ऐप तो मैंने बना दी इसके ऊपर वीडियो। बाकी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ में लेके आता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और बेल आइकन दबा दो, शेयर कर दो इस वीडियो को। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।